हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू विन ट्रेडर। माय नेम इज़ गंगा। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो हमारा सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर थ्रू आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ओपन किया है AUD USD का चार्ट। एंड ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो लाइव ही है। तो आप ये सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या लाइव डेमो आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए 9061973737। ये नंबर पे मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप है, उसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये फॉरेक्स में अगर ये जो मैं आप हमारा सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म मेटाट्रेडर 4 ही है। तो अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हैं एंड अगर आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT4 होगा तो डायरेक्ट ये सॉफ्टवेयर आपके MT4 के अंदर हम कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इसमें कैसे सिग्नल फॉलो करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें ऊपर यहाँ पे जो आ रहा है वो रियल टाइम मार्केट वैल्यू है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की डाउन आ रहा है सेल सिग्नल, ग्रीन कलर की अप आ रहा है बाई करने का सिग्नल है। सिग्नल दोनों ऑटोमेटिक है, जैसे सिग्नल आते हैं ना इसी तरह की अलर्ट मैसेज आएगा आपकी स्क्रीन में, वो भी एक साउंड इफेक्ट के साथ। तो इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा क्या रेट पे आपको बाय करना है, क्या रेट पे सेल करना है, वो प्राइस आपको अलर्ट थ्रू मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे सिग्नल्स आते हैं ना आपको इसका कंफर्मेशन चेक करना होगा। सभी सिग्नल पे हमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंफर्मेशन चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर हमने दो कंफर्मेशन इंडिकेटर डाला है, तो वो कंफर्म होगा तो वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो नहीं करना है। तो कंफर्मेशन मीन्स सेल सिग्नल या बाई सिग्नल एक्टिव होने के बाद आपको इसका कंफर्मेशन चेक करना है। सेल सिग्नल एक्टिव होगा तो फर्स्ट कंफर्मेशन सीधे नीचे आप देखिए, यहाँ पे प्राइस सेल्स ऑन करके लिखा हुआ आना चाहिए। सेल सिग्नल एक्टिव होगा तो नीचे प्राइस सेल्स ऑन आना चाहिए। एंड सेकंड कंफर्मेशन एरो के नीचे जो बार है वो रेड आना चाहिए। एक और बार रिपीट करती हूँ, फर्स्ट सिग्नल मिलना चाहिए, उसके बाद सेल होगा तो नीचे प्राइस सेल्स ऑन आना चाहिए। एंड सेकंड कंफर्मेशन एरो के नीचे जो बार है वो बार रेड आना चाहिए। तो ये केस में आप देख सकते हैं वहाँ पे रेड नहीं था। सम रेयर केसेस में वैसे हो सकता है कि सिग्नल आने के बाद नीचे का बार कंफर्म नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कंफर्मेशन मिलेगा वहाँ पे आप मार्केट रेट पे ट्रेड ले सकते हैं। तो एक्चुअली हमें ये कैंडल पे इसका कंफर्मेशन मिला था, वहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो वहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे गया है, सिग्नल जैसे आते हैं ना उसके हिसाब से आप नीचे देख सकते हैं। नीचे इसका तीन टारगेट भी आ जाएगा, स्टॉप लॉस भी आ जाएगा। स्टॉप लॉस तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अगर ये सिग्नल कंफर्म होगा तो डेफिनेटली 80-90% एक्यूरेसी आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड इसमें आप देख सकते हो ऊपर एक रेड वाला स्टार्स वो रेसिस्टर लेवल है, नीचे एक ब्लू आ रहा है ना वो सपोर्ट लेवल है। तो इसमें रेसिस्टर सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा, और इसके बीच में आप देख सकते हैं सम डिफरेंट कलर्स इन द कैंडल्स ना। तो नॉर्मल कैंडल कलर रेड एंड ग्रीन है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे MD कैंडल्स, वाइट कैंडल्स, ऑरेंज कलर, लाइट ब्लू, ये सभी साइडवे इंडिकेशन, साइडवे का इंडिकेशन भी सॉफ्टवेयर देते हैं। तो ये फॉलो करना काफ़ी सिंपल है। तो आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ से मिलेगा, इसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप परचेज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, अगर आपके पास MD4 का लाइव अकाउंट होगा तो उसके अंदर हम कॉन्फिगर कर सकते हैं, नहीं तो MD5 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। MD5 होगा तो हमारा MD4 का प्लेटफॉर्म डायरेक्ट आपके सिस्टम में डालेगा। तो इसमें जो सिग्नल आते वो देख के आप MD5 में ट्रेड कर सकते हैं। MD4 होगा तो डायरेक्ट हम कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो इसमें जो सिग्नल आते हैं ना डायरेक्ट आप अपनी प्लेटफॉर्म थ्रू ट्रेड भी कर सकते हैं। एंड सॉफ्टवेयर जैसे मैंने कहा उसमें पूरा रियल टाइम में वर्क करते हैं। आपकी प्लेटफॉर्म होगा तो आपकी प्लेटफॉर्म में जितना भी पैसे वो सभी में ये वर्क करते हैं। तो जैसे मैंने अब बताया, अगर आप ये इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, लाइव डेमो आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिए। PD के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक दिया है, क्लिक कीजिए डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप चैट पे आ जाएगा। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।